Hey everyone, I hope everyone is doing great. So guys, it's the sixth day of my corona, and honestly बोलूँ, thank God कि मेरा जो fever है वो उतर गया है. But काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं. गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, नाक पूरा बंद है, एंड स्मेलिंग एंड टेस्ट जो है वो चला गया. मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था आज से 2 दिन पहले, एंड उसके सिम्टम्स जो मतलब उसको जो करोना हुआ था तो उसके जो सिम्टम्स शुरू हुए थे वो ऑलमोस्ट मुझसे 3 दिन पहले हुए थे. तो मेरी जब उससे 2 दिन पहले बात हो रही तो शी सेड कि विवेक यार, मेरे को कुछ स्मेल नहीं आ रहा. तो मैं उसका मजाक बना रहा था कि ऐसे थोड़ा ना होता है, तेरा तो फीवर भी उतर गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया. बट अब जब अपने साथ ये चीज़ हो रही है ना, तब एक्चुअल में चीज़ पता चल रही है कि भाई सही में है. टेस्ट और ये स्मेल तो जाती जाती है. मतलब लिटरली मैं अभी अभी नहा के निकला, मैंने ऐसे डीओ लगाया, मैं कह रहा हूँ इसको स्मेल क्यों नहीं आ रही. फिर मैंने डीओ स्पेशली हाथ पे लिया और ऐसे करके सूंघ के देखा, मैंने अपने नाक के ऊपर फिर डीओ मारा, मेरे को कोई स्मेल ही नहीं आ रही भाई, लिटरली स्मेल नहीं आ रही. टेस्ट का तो मुझे ये फील हो रहा था कि यार शायद मैं इतनी दवाइयाँ खा रहा था कि उसकी वजह से कड़वाहट इतनी ज़्यादा आ जाती कि शायद हर चीज़ कड़वी लग रही है और टेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं आ रहा. बट लिटरली टेस्ट बड्स भी गए एंड कुछ भी खा रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या खा रहे हैं. मतलब पता है हाथ में कि आप क्या खा रहे हो, रोटी है तो रोटी खा रहे हो, बट जो एक सब्जी होगी उसका जो टेस्ट है, जो मसालों का टेस्ट होता है, वो तो वो कुछ भी नहीं आ रहा भाई. मतलब कुछ भी नहीं आ रहा. स्मेल तो मैंने आपको बोला मेरा, जबकि नाक इतना बंद नहीं है कि मतलब स्मेल ही नहीं आएगी भाई, जो मर्जी कर लो. मैं नाक पे लिटरली ऐसे आपका डीओ मारा, बट उसके बाद भी मेरी जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, वो चीज़ नहीं आई. बाकी तुम्हारे भाई का जो फेस है वो पूरा का पूरा ठीक हो गया, एंड वो मेरे जो स्किन स्पेशलिस्ट है मैंने उनको वीडियो भेजी थी, सेड कि विवेक जो कोरोना है दैट वो आपको आपका ना अंदर जैसे सुखाता है सारा कुछ, ठीक है. दैट्स वाई डॉक्टर्स टेल यू कि आप 3 लीटर 4 लीटर पानी पीजिए, एंड यू टेक लॉट ऑफ मेडिसिंस. तो वो मेडिसिंस भी अंदर जाके इतनी गर्मी करती हैं कि वो आपका अंदर से सब कुछ पानी वानी जो है वो सुखा देती हैं. सो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा अंदर बॉडी में ड्राइनेस हो गई थी, क्योंकि मेरा सारा ऐसे मुँह खोल रहा था ना, तो यहाँ पर जितनी दोनों तरफ है दोनों तरफ कट्स पड़ रहे थे, लिटरली कट्स पड़ रहे थे, क्योंकि अंदर ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी. तो वो सारा ड्राइनेस की वजह से बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि दिन की ऑलमोस्ट 15-16 दवाइयाँ गोलियाँ चल रही हैं, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर इतनी ड्राइनेस हो गई एंड जिसकी वजह से पूरा जो स्किन थी वो फट गई है. तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाने को बोला गया, एंड उससे ऑटोमेटिकली आप देखोगे इट्स बिन 3 डेज आई सपोज, एंड मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो गया. अभी भी है बट काफ़ी हद तक ये ठीक हो गया है. बाकी अगर मैं वैसे बोलूँ तो यार इससे इतना डरने का नहीं है, ठीक है. कोरोना है, मोस्टली काफ़ी लोगों के होके निकल चुका होगा. हमने तो कोरोना का टेस्ट कराया तो हमें पता चल गया दैट वी वर कोविड पॉजिटिव, वरना तो हम भी यही सोच रहे थे कि यार ये तो एक नॉर्मल फ्लू जैसा चल रहा है, हमें भी वही हो गया या कुछ है, ठंडा पानी पीने की वजह से शायद गला ख़राब हो गया या कुछ है. अगर मैं वैसे बात करूँ तो वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी में, जबकि मैं डाइट पूरी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट इवन देन आई एम फीलिंग अ लिटिल वीक. मेरे को कंपन महसूस हो रही है अंदर, जैसे पंखे के नीचे मैं बैठा हूँ या कुछ है. अभी मेरा पंखा हार्डली 2 पॉइंट पे चल रहा है ताकि आवाज़ पंखे की ना आए, बट मेरे को पीठ पे ऐसे कंपन सी महसूस हो रही है, जैसे होता है ठंड लगती है ऐसे ऐसे करता आदमी, तो वो वाली चीज़ फील हो रही है. एंड टेम्परेचर चेक करो तो टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब अभी भी मैं सुबह चेक कर रहा था तो इट वाज 97.8, जो कि बिलो है, अगर देखा जाए लो है, बट अगर एवरेज में देखा जाए तो ठीक है. सो कंपन महसूस हो रही है, वीकनेस है और बॉडी भी एक बहुत ज़्यादा है. मेरे को एक और प्रॉब्लम हो गई है कि जैसे सिकुड़ के सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को जो ये वाला राइट साइड है गर्दन का, तो इसके लिए अब मेरे को मसल रिलैक्सेशन खानी पड़ेगी. तो मेरा यहाँ पे बल बढ़ गया, तो मेरी गर्दन इससे ज़्यादा मुड़ ही नहीं रही है, मतलब इससे ज़्यादा जा ही नहीं रही, दर्द इतनी ज़्यादा हो रही है कि इससे ज़्यादा नहीं जा रही है. सो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो भाई वो प्रॉब्लम्स आती जाती है. एंड बॉडी पेन है, चलते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है. लोगों को जैसे आदि को हुआ था, वो कह रहा था उसको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, पर मुझे सांस नहीं चढ़ रहा एज सच, वो कम से कम शुक्र है. एंड जॉइंट्स पेन काफ़ी हैं, पीठ में दर्द काफ़ी है,
और कुछ भी हाथ, सुबह उठो तो हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। सो ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट कर दूं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे होती है। सो इट्स द सिक्स डे, आई होप जल्दी से ये 3-4 दिन के अंदर मेरा जो स्मेलिंग एंड टेस्ट का जो ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है दोबारा, मतलब आया है, ये फटाफट ठीक हो जाए। जल्दी से मैं अपने डियोस को सूंघ सकूँ, अपने परफ्यूम्स को सूंघ सकूँ, जो टेस्ट है अच्छे खाने का वो ले सकूँ। सो आई होप मैं आपको वीडियो समझ आ गई होगी, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो भी कुछ नया होता है, एंड देखो मैं हंस रहा हूँ, आई एम स्माइलिंग, क्योंकि ठीक है हमें हंस के ही, डट के ही इस चीज़ से निकलना है। एंड आई थिंक 14 डेज़ के बाद कहते हैं कि आपको नेगेटिव का टेस्ट कराना होता है। सो आई सपोज़ अभी तो 6th डे ही है, तो जैसे ही 14 डे आता है तो फिर उसके बाद एक बार कोरोना का टेस्ट दोबारा कराते हैं, जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको भी ले लेते हैं, ताकि एक खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं, टेक केयर, प्लीज़, बाय बाय।